नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज क्रिमिनल्स में होगा शूटआउट। क्लिनिक में क्यों डॉक्टर पर चली गोली? क्या इस वारदात के पीछे है सुपारी किलिंग? ट्रिगर पर कहां सुनाई दी बदलापुर की कहानी? 15 साल से चली आ रही जंग, दिन दहाड़े हुआ गोलीकांड और इसके साथ ही होगा ऑपरेशन प्रहार। बुलेट माफिया पर कसता पुलिस का शिकंजा और हां, उस गैंग का खुलासा भी करेंगे जो पुलिस वाला बनकर डर दिखाकर लगाते हैं चूना। अगर आप भी एटीएम जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपको वहां कोई ठग मिल जाए। ठगी की यह वारदात जरूर देखिए आगे। एक क्लिनिक में उस वक्त कोहराम मच गया जब डॉक्टर साहब मरीज को देख रहे थे, तभी नकाबपोश शख्स क्लिनिक में दाखिल हुआ और डॉक्टर साहब से उनके नाम के बारे में पूछा और फिर उन्हें गोली मार दी। आखिर गोली की यह गुत्थी क्या है? क्या यह वारदात सुपारी किलिंग और क्या यह इशारा है वो नकाबपोश बदमाश का कि आखिर वो कौन था? क्लिनिक में शूटआउट। पहले पूछा नाम, फिर कर दिया फायर। नकाबपोश बदमाशों की दहशत। डॉक्टर पर किसने चलाई गोली? गोली की गुत्थी। एक नामचीन डॉक्टर जो रोजाना की तरह अपने क्लिनिक पर बैठे थे, मरीजों का चेकअप कर रहे थे। रीवा से 28 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर में क्योटी मोड़ के पास डॉक्टर दिवाकर सिंह की क्लिनिक है। सुबह के करीब 11 बजे का वक्त था, तभी क्लिनिक में कोई दाखिल हुआ जो चेहरे पर नकाब ओढ़ा हुआ था। जिस शख्स का साथी क्लिनिक के बाहर खड़ा था, अंदर पहुंचे उस शख्स ने डॉक्टर साहब से सवाल किया, उनका नाम पूछा। क्या आप ही डॉक्टर दिवाकर सिंह हैं? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ, और उसके बाद क्लिनिक में कोहराम मच गया। क्लिनिक में गोली चली। उस नकाबपोश बदमाश के निशाने पर डॉक्टर दिवाकर थे। गोली लगी, किसी को कुछ समझ नहीं आया। इधर नकाबपोश बदमाश अपने साथी के साथ फरार हो गया। बैकुंठपुर में अपनी क्लिनिक चलाते हैं, क्लिनिक में बैठे थे तो अज्ञात अपराधियों ने नकाब पोश थे, मुंह बांधे हुए थे, गए और डॉक्टर साहब पूछे आप डॉक्टर दिवाकर सिंह हैं? तो डॉक्टर साहब बोले हाँ। और इतने में उनके जो सहायक है नर्स रहती हैं तो उन्होंने भी बाहर निकले और उन्होंने गोली मार के भाग दिए दोनों नकाब पोश। क्लिनिक में शूटआउट से हड़कंप मच गया। फौरन घायल डॉक्टर दिवाकर को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। गोली कनपटी से होकर गुजरी थी। इस शूटआउट में डॉक्टर दिवाकर की जान बाल बाल बची। घाव खोल के देखने के बाद स्किन मतलब लैसरेशन था, फट गया है वहां से, कान के बगल से गोली निकल गई है और उसे उसके फटना पाया गया था। सीटी स्कैन कराया गया, अभी स्थिति स्टेबल है। डॉक्टर दिवाकर शहर के जाने माने डॉक्टर है, जिनका कॉम्प्लेक्स है क्लिनिक भी। लोगों की माने तो जिनका स्वभाव सरल है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना ही कोई विवाद हुआ था। कई पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज करते हैं। डॉक्टर दिवाकर सिंह सुबह अपने क्लिनिक में बैकुंठपुर में बैठे हुए थे, उसी से और अपने पेशेंट को देख रहे थे। इसी बीच जो है एक मोटरसाइकिल पे दो युवक आए और एक युवक अंदर आकर के उनसे बातचीत किया और फायर कर दिया, जिससे उनके सर के दाहिने तरफ हल्की सी छूती हुई गोली निकल गई है। उनकी सूचना पर तत्काल जो है पुलिस वहां पहुंच गई है। प्राथमिक उपचार कराने के बाद एसजीएमएस में लाया गया है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर वो किस ओर इशारा कर रहा है? बदमाशों ने आकर पहले नाम पूछा, यानी वो डॉक्टर दिवाकर को जानते नहीं थे। क्या किसी ने सुपारी दी थी? इस एंगल पर भी पुलिस वाले जांच कर रहे हैं।
अभी गोली चलने का कोई कारण स्पष्ट समझ में नहीं आया है। बदमाशों के पीछे पुलिस जो है फॉलो कर रही है और विभिन्न टीमें बना करके पतासाजी हेतु भेजी गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना जारी। शूटआउट के बाद पुलिस ने नाकाबंदी की, क्या बदमाश यूपी की तरफ भागे हैं? जब कोई विवाद नहीं था ना ही कोई रंजिश थी, तो गोली की ये गुत्थी क्या है? तहकीकात जारी है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में कैद शूटआउट की वो तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर देंगी। जब कार सवार हमलावर रेकी कर रहे थे और होटल के सामने हुआ ठाए ठाए, दिन दहाड़े 6 राउंड फायर हुआ। हमलावर कत्ल के इरादे से वहां पर आए थे, लेकिन जिसे मारने आए थे उसे गोली भी लगी, लेकिन वो शख्स बच गया। इस वारदात में कैद है 15 साल से चली आ रही एक जंग की कहानी। पहले हुआ कत्ल, जमीन की जंग, जख्मी रिश्ते, सीसीटीवी में कैद शूटआउट। कार से आए थे हमलावर, 6 राउंड फायर और वो बच गया। ये खाली खोके 15 साल पुरानी उस जंग की गवाही दे रहे हैं, जिस जंग में ये सीसीटीवी भी उन सनसनीखेज वारदात की गवाह बनी, जब दिन दहाड़े इस इलाके में होटल के सामने हुआ शूटआउट। कार सवार बदमाश रेकी कर रहे थे, जिन्हें इलाका दिखा और फिर करीब 6 राउंड फायर हुए, गोलियां चली और जिस गोली का शिकार हुआ फरियादी सुरेंद्र राजवंशी, जो कोर्ट से पेशी से लौट रहा था, अपनी बहन के घर जा रहा था, लेकिन सुरेंद्र राजवंशी को नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर नर्मदापुरम में गौरी सेठ बाजार में नाश्ते की होटल के पास चली ताबड़तोड़ गोलियां। देखिए 11 तारीख को कोठी बाजार एरिया में एक फायरिंग की घटनाक्रम हुआ। इसमें जो फरियादी है सुरेंद्र राजवंशी, उसके ऊपर फायरिंग की गई और इन्हीं के स्टेटमेंट पर से धारा 307 का एक अपराध जो है कायम किया गया। हमलावर कत्ल के इरादे से आए थे, लेकिन फरियादी सुरेंद्र की किस्मत अच्छी निकली और उसकी जान बच गई। हालांकि इस शूटआउट में उसे गोली जरूर लगी। इधर गोलीकांड के बाद हरकत में आई पुलिस ने नाकाबंदी की, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए थे। लोगों की माने तो फरियादी सुरेंद्र ने घर में घुसकर जान बचाई। लोगों से भी पूछताछ हो रही थी, कहीं इस शूटआउट में कोई और तो जख्मी नहीं हुआ। मौके पर जाके पूरी पुलिस टीम ने इसकी गहन से विवेचना की और सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर घटनाक्रम ये सामने आया कि एक ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी में 3 आरोपीगण जो है, संदीप मांझी जो गाड़ी चला रहे थे और निक्की राजवंशी जो पीछे बैठा था और अमन जैन, ये 3 व्यक्ति जो है इस ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी में आए और अमन जैन और निक्की राजवंशी, इन्होंने जो फरियादी है उस पर फायरिंग की। ये शूटआउट होश उड़ाने वाला था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तस्वीरों में जिस कार से हमलावर आए थे, पिछली सीट से हमलावर निक्की उतरा और उसने गोली चलाई। निक्की की तलाश शुरू हुई। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए जो सुरेंद्र राजवंशी के कत्ल के इरादे से आए थे। सवाल है, आखिर शूटआउट क्यों हुआ? इनके साथ साथ 3 और व्यक्ति, नीरज और पप्पू तिवारी और इनका जो आरोपियों का एक भांजा है सूरज राजवंशी, वो और एक अन्य व्यक्ति, ये 3 पहले से जो है रेकी कर रहे थे। 2 लोग एक गाड़ी में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति जो है नीरज तिवारी जो है न्यायालय के बाहर पैदल घूम रहा था, तो इन 3 ने उसकी रेकी की और फिर ये जो आरोपी 3 व्यक्ति हैं, ये स्विफ्ट कलर की गाड़ी में, ग्रे कलर की गाड़ी में आए और इन्होंने फरियादी पर फायरिंग की। पुलिस टीम को 48 घंटे में इन 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस दहशत की ठाए ठाए के पीछे था बदला, इंतकाम।
दरअसल आरोपी निक्की के भाई सुशील राजवंशी की 15 साल पहले हत्या हुई थी, जिस केस में पेशी पर सुरेंद्र राजवंशी आया था। ये परिवार के बीच चले आ रहे 10 से 15 एकड़ जमीन का विवाद है। घटना के पीछे दोनों परिवारों की आपसी रंजिश जो है बहुत समय से चल रही है। रंजिश का कारण है जमीन का विवाद, दोनों भाइयों में, दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश चल रही है, इसकी वजह से घटनाक्रम। मुख्य आरोपी जैसा मैंने बताया निक्की राजवंशी और अमन जैन और संदीप मांझी, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन जो है ग्रे कलर की गाड़ी, उसको भी जब्त कर लिया गया है और दो अवैध कट्टे जो हैं जिससे फायरिंग की गई थी वो भी जब्त कर लिए गए हैं। जिस जमीन की जंग में ऐसे रिश्ते जख्मी हुए थे। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खुलासा जुर्म के ट्रिपल ए का, बुलेट माफिया पर इलेक्शन से पहले पुलिस का एक्शन, अवैध हथियारों के तस्करों की वो कहानी जिसका खुलासा होश उड़ाने वाला है। आखिर कहां होने वाली थी डील, कैसे पुलिस ने तस्करों को दबोचा, किस अकाउंट में जाते थे रुपए, मौत के ये सौदागर आखिर किस सरगना के हैं मोहरे। इलेक्शन से पहले एक्शन, बुलेट माफिया पर शिकंजा, उनका धंधा खून खराबे की डील, मोबाइल उगलेगा हथियार तस्करों के नास, खरगोन टू जैन जुर्म के ट्रिपल ए, उनका पेशा है ठाई ठाई बुलेट से जो खून खराबे की डील करते हैं, जिनकी ट्रिगर पर दहशत होती है। ऐसे ही हथियारों के सौदागरों या कहें हथियार तस्करों के ट्रिपल ए का खुलासा खरगोन की गोगावाद थाना पुलिस ने किया है। डील से पहले पुलिस की दबिश और फिर हुए चौंकाने वाले खुलासे। जुर्म के इन ट्रिपल ए को भी सुनिए। खरगोन का रहने वाला अजय, उज्जैन का अकबर और उज्जैन का ही अमन। ये पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसमें थाना प्रभारी गोगावा को इनपुट मिला था कि एक अजय नाम का व्यक्ति है जो चिंगनूर का रहने वाला है, वो और उसके परिवार के लोग अवैध हथियार बना के सप्लाई करते हैं। इसी इनपुट के आधार पे एक बड़ी रेड प्लान की गई और रेड के दौरान अजय को गिरफ्तार किया गया। उसके पजेशन से 15 पिस्टल बरामद हुई। अवैध हथियारों की तस्करी में सबसे पहले किरदार के बारे में आपको बताते हैं। अजय सिग्नूर का रहने वाला, जिसका खानदानी पेशा ही है अवैध हथियार बनाना, उसकी डील करना और फिर सौदा पक्का होते ही माल की सप्लाई करना। आरोपी और उसके दोनों भाई इसी हथियारों की तस्करी में लगे हैं। सुनिए इस सौदागर की क्राइम कुंडली, पुलिस की जुबानी। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई, उसमें पता लगा कि बड़ी सप्लाई इसके द्वारा उज्जैन की जाने वाली थी, तो उज्जैन एक टीम रवाना हुई थी। उज्जैन से पुराने अपराधी अकबर को गिरफ्तार किया गया है। अकबर पे इससे पहले भी 15 से अधिक अपराध दर्ज हैं। अकबर के पूछताछ के बाद भी काफ़ी बड़ा सीजर हुआ है और ये जानकारी में भी आया है कि इसके द्वारा जो 15 पिस्टल डिस्पैच की जानी थी, ये उज्जैन के एक अमन नाम के व्यक्तियों की जानी थी। अब किरदार नंबर दो, उज्जैन का अकबर, जो उज्जैन का हिस्ट्री शीटर है, जिसके नाम का खुलासा अजय से पूछताछ पर हुआ। अकबर ने एक और खुलासा किया, 15 अवैध पिस्टल उज्जैन के अमन के पास सप्लाई होने वाली थी। अमन अभी हिरासत में नहीं आया है। बेसिकली ये जो आरोपी अजय है, अजय का पिता भी आरोपी रहा है और इसका जो भाई है वो भी इंदौर जेल में बंद है। अजय भी इससे पूर्व अवैध हथियार के मामलों में इंदौर में गिरफ्तार हो चुका है। तो ये तीन भाई हैं, ये इसी प्रकार के अवैध हथियारों को बनाने और बेचने में लिप्त हैं। इसको रिमांड पर लिया गया है और ये जानकारी ली जा रही है किस प्रकार से ये इस प्रकार के क्रिमिनल से कॉन्टैक्ट करते हैं और हथियारों की सप्लाई करते हैं। आरोपियों से अवैध 25 पिस्टल पुलिस ने बरामद की है। आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है? अवैध हथियारों का तस्कर अमन किस गैंग को पिस्टल की सप्लाई करने वाला था, इसकी जांच जारी है।
इसने बताया है कि ये जो हथियारों की डिलीवरी थी, एक उज्जैन का व्यक्ति अमन आया हुआ था और अमन ये डिलीवरी लेने वाला था। जब पुलिस ने ट्रैप किया इसको तो अमन तो पुलिस की कस्टडी में नहीं आया, लेकिन ये सप्लाई अमन को दी जाने वाली थी। पुलिस अमन की तलाश कर रही है। इस डील की कहानी में एक और नई बात सामने आई है। कबाड़ियों से पिस्टल बनाने का सामान खरीदा जाता था। चौंकाने वाली बात ये भी कि अकाउंट होल्डर को कमीशन दिया जाता, जिस बैंक अकाउंट में डील के बाद रुपए जमा किए जाते। प्राइमरी ये जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे मिडिलमैन के बैंक अकाउंट हैं जिसमें ये जो डील करते हैं हथियारों की, तो उन अकाउंट में पैसा लेते हैं। बाद में मिडिलमैन कुछ पैसा उसमें रख लेता है, तो उन अकाउंट होल्डर्स की उन लोग जांच कर रहे हैं। और अवैध हथियार बनाने में जिस प्रकार के ये जो सामग्री का यूज़ कर रहे हैं वो कबाड़ियों से मिलती है। कुछ कबाड़ी भी चिन्हित हुए हैं, उनका भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। तो यदि कोई ऐसा संलिप्तता मिलेगी तो उनको भी आरोपी बनाएंगे। इलेक्शन से पहले बुलेट माफिया पर पुलिस का शिकंजा यानी ऑपरेशन प्रहार जारी है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आप भी अगली बार जब एटीएम में जाएं तो जरा अलर्ट रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मदद के बहाने कोई आपको चूना ही लगा दे। फिराक में हो चूना लगाने की, क्योंकि ये वो गिरोह है जो कई राज्यों में एटीएम में अपने हाथ की सफाई दिखा चुका है, जो बस यही कहेगा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और फिर मोबाइल पर मैसेज आएगा आप धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। कैसे बचे ऐसे गिरोह से, साइबर ठग से खबरदार करती हुई ये हमारी रिपोर्ट देखिए। राज्य एक गैंग, हाथ की सफाई लाइव। जेब कतरों से खरीदे एटीएम कार्ड, मददगार बनकर लगा देंगे चूना। आपकी कमाई नटवर लाल करेंगे शॉपिंग, पिन देखेंगे, कार्ड बदलेंगे और ठग लेंगे। ये वो लुटेरे हैं जो शिकार की आंखों के सामने उसे चूना लगाते हैं, आंखों के नीचे से काजल चुरा लेते हैं। तीन केस के बारे में सुनिए, तीनों में ही एक कहानी थी। तीनों फरियादी को मैसेज आए आपके